से मुझे बाइज्जत परी कराने के लिए पुचकी को थैंक यू बोलने का यही सही मौका है। कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ देख लेगा तुम? मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात। क्या बात करनी है अभी? जरूरी है क्या? बाद में बात कर लेना। अच्छा, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही है। मुझे तो मैं सॉरी और थैंक यू कहना। कल रात जिस तरीके से मैंने तुमसे बात की वो गलत था। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे पारमिता से भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं? कम से कम तुम तो जानते हो कि जब बात मामा पे और फैमिली पे आती है तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। एनीवेज, आई एम सॉरी। बस पता, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था और मैंने कल तुम पे इतना गुस्सा कर दिया। थैंक यू सो मच अस्मिता, इतना भरोसा तो मुझे खुद पर नहीं है जितना तुम्हें मुझ पर। वो केस में मेरी हेल्प करने के लिए, इन सब चीजों से छुटकारा दिलवाने के लिए आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने परिवार के बीच में। इतने सारे लोग खुश, मेरे परिवार के चेहरे पे मुस्कान, और इन सब की वजह ना सिर्फ तुम हो अस्मिता। उन सब की खुशियां वापस लाने के लिए थैंक यू सो मच। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? बताया शान, इतने सालों में तुम चाहे जितना बदल गए हो, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी वो एक बात है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है। अच्छा, और वो क्या है? बात बात पर यूं आंखें गीली हो जाना, रोत लू कहीं की। By the way, दोस्ती का एक पुराना रूल है। वो क्या है? वो ये है कि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। और फिर हम तो बरसों पुराने बूंदू है ना? पुरानी दोस्ती शान और अस्मिता की? वो दोनों कब से दोस्त बन गए? लंदन में मिले होंगे। बाकी वो दोनों पहले से दोस्त हैं, तो बात हम तक कैसे नहीं पहुंची? अब तो चार आंखें रखनी पड़ेंगी अस्मिता पर। कैसे नहीं लगी? चल क्या रहा है? पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। आखिर कौन है ये अस्मिता? और ये अचानक हमारी लाइफ में कहां से आ गई? हेलो मम्मा, मैं निकल रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। क्या कुलदेवी की पूजा अच्छे से हो गई है? आपके वहाँ महाकाली की पूजा शुरू हो गई? हेलो हेलो मम्मा, जब तक अस्मिता के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेते, हृदय को इस चालू अस्मिता से दूर ही रखना पड़ेगा। और जब तक शान और अस्मिता की सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, तब तक हृदय को अस्मिता से नहीं बल्कि यहाँ से भी दूर रखना पड़ेगा, वरना कभी भी इमोशनल होकर वो हमारा काम बिगाड़ सकता है। आवाज आ रही है? हेलो, कहाँ खो गए मम्मा? आर यू देयर मम्मा? हाँ रे, तो हाँ, हम यही हैं। वो हम क्या कह रहे थे ना कि आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए यहाँ आने की। वो एक्चुअली हम तो चाहते हैं कि आप
आप थक गए होंगे ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अगर ब्रेक लेना चाहें तो आराम से रास्ते में रुक कर आइए, इतना लंबा सफर है। रिदोय आप समझते हैं ना। मामा आप क्या कह रहे हो, मैं तो मरा जा रहा हूँ पहुँचने के लिए, और आप कहने के बीच में रुक जाओ। बाल है, और किस बात का स्ट्रेस, किस बात की टेंशन? मेरा बस चलना तो मैं उड़ कर पहुँच जाऊँगा वहाँ पर, आप टेंशन मत लो, मैं निकल रहा हूँ ठीक है, बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। ओके, लेकिन रिदोय हमारी। बाय 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 बाय। रितोय को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। रितोय जब तक आपकी बीवी का कच्चा चिट्ठा हमारे हाथ नहीं लग जाता, आप यहाँ नहीं आ सकते। हेलो, हेलो मैडम, हम तो आप दोनों यहाँ नहीं आएंगे। जी जी, बिल्कुल सही सुना आपने, जब तक हम आपको आने के लिए कह नहीं देते आप दोनों यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है मैडम, हम तो बस निकल ही रहे थे। तो टायर पंक्चर करिए, गलत रास्ते पर चले जाइए, रास्ता भूल जाइए, बेहोश हो जाइए, जो करना है करिए, लेकिन जब तक हम नहीं बोल देते रिदोय को लेकर यहाँ मत आइएगा, समझ गए ना? ठीक है मैडम। शंकर जिस, क्या फोन पे हो यार तुम, बोला था ना गाड़ी निकालने को, अब चलो जल्दी। जी जी। हेलो, अगले 2 घंटे के अंदर अस्मिता कुमारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कहाँ से हैं, क्या काम करती थी, सारी डिटेल्स। माताजी को फूल समर्पित कीजिए। पारो, क्या हुआ, क्या है अचानक तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया है? अस्मिता प्लीज मेरी मदद करो, मोहित कहीं गायब हो गया, प्लीज तुम उसे बचा लो। वो वहां से भाग निकला, वो यहाँ आने के लिए निकला था अस्मिता, पर वो यहाँ पहुंचा ही नहीं है। और मैंने अभी ब्यूटी के गुंडों को बाहर देखा, अगर वो उनके हाथ लग गया तो कुछ नहीं होगा अस्मिता, पक्का वो उनके हाथ लग गया होगा, ब्यूटी उसे मार डालेगी। अस्मिता मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे मोहित को बचा लो। रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के पिता को कुछ नहीं होगा, ये मेरा बात है। मैं देखती हूँ ना वो कहाँ गया है। हाँ,
शांत हो जाओ। पर जब तक मैं घर पे वापस नहीं आती किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर से बाहर आई हूँ, समझी? हाँ, मैं यहाँ संभालूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। प्लीज तुम मेरे मोहित को बचा लो, प्लीज। है ना, प्लीज। मैं कुछ करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ मोहित को ब्यूटी के चंगुल से छुड़ा लो। वो प्यार करने वाले जब बिछड़ते हैं तो कितना दर्द होता है मुझे पता है। माँ उन्हें जुदा मत करो, शक्ति दो माँ कि मैं मोहित को बचा सकूँ। मैं और शांतनु मिले ना मिले उन दोनों को मिला कर रहूंगी, और फिर आज ही पूजा में शांतनु को सब कुछ सच बता दूंगी। जितनी मन्नतें मांगनी है मांग लो, जो प्रार्थना करनी है कर लो, लेकिन अब अपनी सच्चाई आप हमसे नहीं छुपा पाएंगी। राह दिखाओ माँ, बताओ मुझे कि मोहित को कहाँ रखा होगा ब्यूटी ने। कोई चमत्कार, कोई तरकीब करो माँ, ताकि मैं अपना उसे बचा सकूं। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाए। शुक्रिया माँ, थैंक यू। अभी वही निकली है यहाँ से, उनका पीछा करिए। वो जहाँ भी जाए उनके पीछे ही रहिएगा। और हाँ, एक पल के लिए भी आपकी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, हमें हर पल का अपडेट चाहिए, समझ गए ना? अरे निवेदिता, कहाँ जा रही हो तुम? वो एक्चुअली हम गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। क्या कर रही थी ये नहीं पूछा हमने, तुम कहाँ जा रही हो वो पूछा। वो हम चलो वो सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि हृदय है कहाँ? तूने आरती भी कर ली और वो अभी तक आया नहीं। तुम्हें पता है ना कि सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले हैं, इतने सारे मेहमान हैं, नाच गाना होगा, उसके पहले तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, तुमने उसे कहाँ भेजा है? हृदय? हाँ, अभी हमारी अभी बात हुई हृदय से, वो रस्ते में है, आ रहे हैं यहाँ, आ रहे हैं। बुआ जी, हमें आपसे एक काम था। हाँ बोलो, बताओ। वो हमने शान के लिए एक मन्नत मांगी थी, इतने दिनों में इतना सब कुछ हो गया ना शान के साथ, तो हमने उनकी भलाई के लिए एक मन्नत मांगी थी कि आज के दिन जब काली पूजा होगी तो हम गंगा घाट जाकर दान करेंगे। तुमने शान के लिए मन्नत मांगी थी? हाँ बुआ जी, हमने हमारे शान के लिए ही मन्नत मांगी थी। वो आप यहाँ सब संभाल लेंगी ना? हम बहुत जल्दी जाएंगे और जल्दी से वहाँ सब निपटा के वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? तुम निवेदिता ही हो ना, और तुम इतनी धार्मिक कब से होने लगी, और वो भी शान के लिए? देखिए बुआ जी, हम हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। जी पर तू अब तक यही है, भागी नहीं यहाँ से? मुझे तो लगा अब तक तू भाग चुकी हो। तो पैर वैर तो ठीक है ना दे रहे? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? आ जाएगी मुझे, सब आ जाएगी मुझे कि घुट जाएगी मुझे। पर रानी, याद है कि तुझे याद दिलाऊं कि तेरा वो चटपटा आशिक अभी भी मेरे कब्जे में है? मुझे टशन दिखाने की कोशिश करी ना तूने, तो टशन का दांत तेरे हाथ में ही दे दूंगी। बड़ा तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ब्यूटी मुझे छोड़ दो, ब्यूटी मुझे छोड़ दो, ब्यूटी मुझे छोड़ दो। ओह गॉड, भारो भारो भारो। अब तुझे तो पता ही है ना कि इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन
तो जैसी औरत और उस चटपटे आशिक को काबू में रखने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, है ना? ब्यूटी, तुम भी किसी गलतफहमी में मत रह। मेरी बात कान खोल के सुन। अगर मेरे पोषित को कुछ भी हुआ है ना, तो ये जो शान के बीवी बनने का नाटक मैं कर रही हूँ वो मैं उसी वक्त खत्म कर दूंगी। फिर देखती हूँ मैं कैसे पूरा करते हो तुम अपना बदला ये मौसमदार खानदान से। मेरा वादा है ब्यूटी तुमसे, अगर मोहित को कुछ भी तुमने किया ना तो सालों से तुम्हारा जो अरमान है ना वो अधूरा रह जाएगा। अगर कंधा ही नहीं रहेगा तो बंदूक कैसे फोड़ोगी? हाँ अरे पारो सुनो तो। नमस्कार, आप दोनों बात कीजिए, मुझे जरूरी काम है। पारो, वो तो तूने अस्मिता को देखा है? वो अंदर भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं नहीं है, कहाँ है, कहाँ वो? दादी बुआ, मुझे नहीं पता है, मैं देखती हूँ, एक मिनट आई। अरे पारो, यहाँ चल क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। तो ही नहीं है, अस्मिता नहीं है, और निवेदिता भी बाहर चली गई है। रब्बा, रब्बा, सब ठीक तो है ना? काली माँ, इस घर में सब ठीक ठाक, सब चंगा रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये अस्मिता आखिर ड्राइवर के साथ जा खा रही है? चंदमा ने अचानक क्यों बुलाया होगा? मुझे मोहित को ढूंढना है और बड़ी माँ का यू फोन आना। जरा सा तेज चलाना प्लीज। ड्राइवर, आप अस्मिता की गाड़ी का पीछा करते रहिए, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए हमसे। अगली गली में मोड़ लो कार। हाँ, पीछे रखिए उनके। यही गली ना मैडम? अब हाँ हाँ यही वाली। अब बस सुनिए, आप घर जाइए, मैं आती हूँ। रोकिए गाड़ी। जल्दी टैक्सी का पीछा करिए। कहाँ जा रहे हैं ये? रितोय के ड्राइवर। हेलो मैडम, और कितना समय रुकना है यहाँ? आपको कोई और काम है क्या? हमने कहा है ना, जब तक हम ना बोले वहां से निकलना मत, और बार बार हमें फोन मत करिए, समझे? ठीक है मैडम। जल्दी करिए, आप पीछे जाइए, क्या कर रहे हैं? तेज चलाइए। शंकर, इधर आओ। क्या ये? दिमाग खराब करके रख दिया तुमने? चार चार बार गाड़ी खराब होगी, कभी टायर पंचर, कभी ये, कभी वो, क्या चल रहा है ये? पता करो कितना टाइम लगेगा, जाओ पता करो। कितना टाइम लगेगा? अरे 5-10 मिनट लगेगा भाई। क्या पता करना कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा टाइम और सर, थोड़ा टाइम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो रहा है बताओ मुझे, क्या 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 गड़बड़ है गाड़ी में? गाड़ी का कार्बोरेटर गर्म हो गया है, उसे ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पागल है क्या?
कभी बोल रहे टायर पंचर है, कभी गाड़ी में कार्बोरेटर गर्म है, कभी ये हो रहा है, क्या चल रहा है ये? क्या गड़बड़े होता है? नहीं प्रॉब्लम मैं क्या करूँ सर, ये सब जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। बेवकूफ समझा क्या, मजाक चल रहा है यहाँ? बात कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो यार, तुम काम करो ना अपना। सच सच बता मुझे, सच सच बता, सच सच बता, देर क्यों करवा रहा है? पता नहीं तो मार डालूंगा तेरे को, बोल रहा हूं मैं। क्या वो मुझे क्या पता, निवेदिता मैडम ने कहा कि साहब को थोड़ा देर रोक के रखो, उधर वो चिल्ला रही है, इधर आप चिल्ला रहे हो। मम्मा क्यों गई, क्या चल रहा है? मम्मा क्यों बोलेगी, क्या चल रहा है बोल। बस बस यही रोकते हैं। ये लीजिए, ये कौन सी जगह है? अस्मिता भला यहाँ क्या कर रही है, क्या रिश्ता हो सकता है उनका इस जगह से? What the hell is going on, मामा? आप मेरा फोन क्यों उठा रहे हो? और ये आपने ड्राइवर को क्यों कहा है मुझे रोक कर रखने के लिए? आप क्यों नहीं चाहते कि मैं वहां पहुंचूं? अभी आपको कोई सफाई नहीं दे सकते हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्या? अरे बाद में क्या, बताओ तो। मम्मा, मम्मा मैं ये अस्मिता कहाँ चली गई?
अरे माँ, चंदा, आज के दिन तुझे आना ही था। देख, तू आ भी गई और काली माँ के सामने नृत्य करके उन्हें पसंद भी कर लिया और मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। बड़े माँ, मैं वो भूल ही गई थी कि शान की रिहाई की खुशी में आपने भी पूजा रखी है। भूल गई? ससुराल की वजह से कोई मायके को भूलता है भला? हाँ नहीं, हम अंदर चले। चंदा अस्मिता के साथ? ये क्या चल रहा है? अभी क्या कहा चंदा ने? अस्मिता का मायका? कौन है ये अस्मिता? अब क्या रिश्ता है उनका चंदा के साथ? कैसे जुड़ी है वो इस सोनाकाची के साथ? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मजूमदार की काली पूजा में आप सबकी स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच आज मौजूद है सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के स्टार परफॉर्मर्स स्वर्णाली आचार्य एंड सुगंधा दाते। सो मैं चाहूंगी आप तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आए और काली माता की आरती करें। तो दिखाई क्यों नहीं दे? जैसे कि आप सभी जानते हैं, काली माता को बच्चों से बहुत प्यार है और हम सब भक्त उनके बच्चे ही तो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, put your hands together for our celebrity performers Swarnali Acharya and Sugandha Date. गर्लफ्रेंड का है? ओह, आई एम सॉरी, तुम्हारी भाभी अस्मिता नजर नहीं आ रही है मुझे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। बड़ा आया, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे से सवाल पूछने का। तू ही बताएगा जैसे मुझे पता ही नहीं चला। इसका तो पता मैं यूं लगा लूंगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मजूमदार ने इतनी बड़ी पूजा रखी
इतने सारे लोग नाच गाने के लिए बुलाए और खानदान की सास ही गायब है, और वो तो छोड़ो, छोटी बहू का अता पता ही नहीं। अब इस परिवार में क्या झोल चल रहा है, ये ब्यूटी तो यूं पता लगाएगी। हाँ? ये मोहित ने तंग करके रखा है, बहुत छटपटा रहा है। बहु खोर, इतनी भी बेरहम है ब्यूटी, लेकिन कंगले आशिक को ना अब सबक सिखाना पड़ेगा। पकड़ के रख, आ रही हूँ वहीं। बैठ, बैठ, आराम से। बैठे कुमार। ये, हाँ, मैं ठीक हूँ। आना। बड़ी माँ सुनिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो ब्यूटी के सारे अड्डों का पता मुझे बता दीजिए प्लीज। बड़ी माँ प्लीज, तुझे ब्यूटी के अड्डों का क्या काम है, तुझे वहाँ क्यों जाना है? बड़ी माँ, ब्यूटी ने ना मोहित को किडनैप कर रखा है। मोहित? हाँ हाँ बड़ी माँ, बाहरों के बच्चे का असली पिता। अब बिल्कुल सही कह रहे, छात्र निर्दोष है। हाँ लेकिन बड़ी माँ, मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल मोहित को ढूंढना है, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मौजूमदार हाउस की काली पूजा खत्म होने से पहले मुझे मोहित को वहां किसी भी हालत में ले जाना है, और शांतनु को पारमिता की सच्चाई के बारे में बताना है। मोहित को बचाना बहुत जरूरी है। बड़ी माँ मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बता दीजिए ना बड़ी माँ। ये दोनों आखिर चली कहाँ गई? शायद ये चंदा के कमरे में गई होंगी। इसका मतलब इतिहास दोहराएगा अपने आप को। हमें फिर वही जगह जाना पड़ेगा जहां बरसों पहले हमने अरिंदम को उनकी रखेल के साथ पकड़ा था। ब्यूटी के इतने सारे ठिकाने कि तू सोच भी नहीं सकती पुचकी, और अब उन अड्डों में से ब्यूटी ने उस लड़की को कौन से अड्डे पे रखा होगा, ये कैसे पता चलेगा? हमारा कोई जान पहचान का अंदर है, उनसे मिलने आए हैं। थैंक यू बड़ी माँ, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत है। बड़ी माँ मुझे फिलहाल चलना चाहिए। अरे लेकिन तू ये खुद क्यों कर रही है? एक होने वाली माँ को वादा दिया, जुबान दी है उसे। और बड़ी माँ मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आदित्य है ना मेरे साथ। मेरे पास सच में वक्त बहुत कम है, मुझे जाना चाहिए। सुन, कब तक दूसरों की मदद करती रहेगी, कब तक दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहेगी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ब्यूटी के चक्कर में मत पड़, बहुत खतरनाक औरत है वो, और जब से वो सत्ता में आ गई तब से वो और ताकतवर हो गई। याद है ना परसों पहले तुझे कैसे बचाया था उसके चुंगल से? उसे पता चल गया कि तू पुचकी है तो वो छोड़ेगी नहीं तुझे। बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सच में कुछ नहीं होगा। कैसे ना चिंता करूं मैं अपनी बेटी की? हाँ नहीं नहीं, 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 नहीं
अब मैं कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगी अपनी पुचकी को। याद है ना तुझे, पुचकी से अस्मिता बनने के लिए तुझे पानी में कूदना पड़ा था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे आसपास किसी खतरे को भटकने नहीं देगी तेरी ये बड़ी माँ पुचकी। आप मुझे कुछ नहीं देंगे, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपकी पुचकी को बहुत मदद मिली। रही बात ब्यूटी की, तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ब्यूटी को ना किसी आपको। इतने दिनों से ये राज छुपाई तो रही हूं, खुशी से झूम उठेंगी। सोना गाची की पुचकी हावड़ा ब्रिज से कूद के मर गई। क्या बात कर रहे हैं जमाई बाबू, क्या खबर सुनाई है। दिल खुश कर डाला, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब इस शान को, उस गंदी नाली के कीड़े को हमारे और हमारे हृदय के बीच में कभी नहीं आने देंगे। हृदय के साथ जुड़ नहीं पा रही थी और शान के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हम ही अंधे थे, हम ही अंधे थे। उन्होंने शादी के लिए क्या जरूरत थी उन्हें कि शादी करने की, जब उनका शान के साथ इतना गहरा रिश्ता था। क्यों क्योंकि उन्होंने हमारे दिलवाए के साथ शादी किया, क्यों ऐसी क्या मजबूरी थी, हाँ मजबूरी थी जो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ये चक्कर क्या है, मैं सचमुच समझ में नहीं आ रहा। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते।
चारू, अस्मिता कहाँ पता है? मुझे नहीं पता। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी, कैटभ गंजिनी रास रते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्दिनी शैलसुते। हेलो अस्मिता। कौन सी अस्मिता चाहिए? चिकनी आवाज वाले? ये बड़ी महल है, यहाँ बहुत सारी अस्मिता रहती हैं। तुझे कौन सी चाहिए बोल। अस्मिता सोना काची गई है। ये मेरा फोन है, यही रहेगा। थैंक यू। अरे मेरी बात, वो तुम्हारा फोन। मना किया था उसे सोना काची जाने से, कहा था दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी वहां चली गई। ये सुनती कहां है किसी की? इतना भी समझ नहीं है कि अगर किसी जान पहचान वाले ने उसे वहां देख लिया और मम्मा तक बात पहुंच गई तो अगर मम्मा को ये बात पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। Mom, perfect choice. Amazing dancer रही है। आपकी नौकरी पक्की। हम आपकी मैम से मॉम बनना चाहते हैं। हम आपको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप ही बनेंगे हमारे हृदय की दुल्हन। अस्मिता और हृदय एक दूसरे को पसंद करते हैं सर, और शादी करना चाहते हैं। श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना, वह सोना गांची से आएगी, मेरी बारी से आएगी। याद करना इस ब्यूटी को, इस वैश्या को, जब तुम्हारा खुद का खून, जब तुम्हारी खुद की औलाद ना सोना गांची की बहू लाएगा, याद करना मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। इस बदनाम गली की लड़की हमारे हृदय के गले का हार कभी नहीं बन सकती। हृदय को इस कीचड़ से मुक्त करने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। इस गंदी नाली का पानी कभी मौजूदा हाउस की चौखट नहीं लांग सकता। वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। नहीं बन सकती वो इस घर की बहू, कभी नहीं बन सकती। छींटों की वजह से बरसों पहले हमारे और अरिंदम के रिश्ते को अपवित्र कर दिया था, आज आपने उसी गंदी नाली का बहाव हमारे घर में मोड़ दिया। उस अपवित्र मिट्टी का तिलक हमारे हृदय के माथे में लगा दिया। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? निवेदिता मौजूमदार, ये प्रण लेते हैं आज से, अभी से हमारी हर सांस सिर्फ इसलिए चलेगी ताकि उस सोना गाची की पैदाइश, उस अस्मिता को अपने घर से और अपने हृदय की जिंदगी से अलग कर देंगे। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
उधर देखो। अस्मिता। आदित्य ये। आई थिंक मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ है। मुझे भी यही लगता है। पता नहीं ड्यूटी ने मोहित को कहाँ छुपाया होगा। अभी ढूंढना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लोग तैयार हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए? प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन शांतनु एंड कुंवर अमर। तालियां। खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम्बु शुण्डे शिर शङ्खं सन्दद सिङ्करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाभृताम् को अभी वहां जाना पड़ा। ठीक है। हाँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत अपडेट कर देना, ठीक है? या। कुछ लीड नहीं मिल रही। एग्जैक्टली कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ब्यूटी मोहित को छुपा कहां सकती है? पता लगाना पड़ेगा। आदित्य जल्दी चलो। तो तू 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 आ गया। एक एक सेकंड भैया, अभी आएंगे। क्या हुआ? मामा का क्या हुआ रे तोए? बताइए ना मुझे, ये चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है? तू बता, तू इतना टेंस्ड क्यों लग रहा है? पहले बताइए ना मुझे मामा कहाँ है। अरे मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन तू मुझे बात तो पता क्या हुआ है? आपको पता है, मम्मा ने ड्राइवर को फोन करके कहा कि मुझे वहीं रोक कर रखे, जब तक वो ना कहे यहाँ ना आने। What? ऐसा क्यों बोलेगी मम्मा? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा ना। मामा क्या हुआ आपको? मामा निवेदिता, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा तुमने? भाभी ये क्या हुआ? भाभी भाभी दीदी
इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त करने की शक्ति देना माँ। क्या हुआ आपको? मामा आप ठीक तो है ना? मामा मामा आराम कीजिए ना, रेस्ट कीजिए। मामा क्या हुआ आपको? मामा आई एम रियली सॉरी मामा, मैंने आप पर चिल्लाया। मामा मामा प्लीज बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मामा प्लीज हम ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। बाहर मेहमान है, उन्हें अटेंड करिए, हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है मामा, आप आराम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। काली माँ ने भी क्या शुभ दिन पर आपके चेहरे से मुखौटा उतारा है? इतना बड़ा झूठ, इतना फरेब अस्मिता, इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। पर वैसे बहुत पुरानी दुश्मनी है आपकी हमसे पूछ की, आपकी बार आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज हाथ मत छोड़ना। मोहित को बचाना है और उसका सच सबके सामने लाना। शान को भी पारो के सच के बारे में बताना है। मैं किसी और को अंधेरे में नहीं रख सकती माँ, मेरी मदद करो। हेलो मिस्टर मौजूदा। हेलो डॉक्टर। आखिर आज आपसे मुलाकात होगी।
पारमिता जी आज मेरे क्लिनिक आने वाली थी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। आई थिंक किसी रीजन से आ नहीं पाई, तो मैंने सोचा मैं ही ड्रॉप कर दूं। इसी बहाने मौजूमदार की फेमस काली पूजा के दर्शन भी हो जाएंगे। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये रिपोर्ट्स देख लीजिए। या श्योर। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? या श्योर। आप आइएगा इधर, मैडम को अंदर लेके जाइए और काली माता के दर्शन करा दीजिए। ख्याल रखिएगा। रिपोर्ट देखता पारो, और बच्चा ठीक तो है? पारो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है कि पारो शादी से पहले ही। इसका मतलब है कि फैमिली डॉक्टर ने झूठ कहा कि पारो को सिर्फ 1 महीना हुआ है। पारो ने रिश्वत देके झूठ बोलवाया होगा, शायद अपनी है शादी के पहले की करतूत छुपाने के लिए। अस्मिता, मोहित के फोन का लोकेशन ट्रैक हो चुका है। चंदा ने जो ब्यूटी कंटे के बारे में बताया था, मोहित वहीं होगा। जल्दी चलो। शुक्रिया माँ, हमेशा की तरह आपने मेरी उंगली थामी। थैंक यू माँ, थैंक यू। चलो आदित्य। छोड़ दो प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। चल। कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि मेरे आड़े मत आ। अब आया है ना तो खत्म। ऐसी मौत दूंगी ना मैं तुझे कि तड़प तड़प के मरेगा। और तेरा वो जो बच्चा परमिता की कोख में है, जब वो पैदा होगा तो इस ब्यूटी के नाम से कांपेगा। नहीं बेटी, प्लीज छोड़ दो। गरम पानी में इसका सर तब तक डुबो जब तक इस पानी में इसके चेहरे का खून नहीं घुल जाता ढंग से। डालो इस नल्ले का सर इस पानी। नहीं, ब्यूटी, ब्यूटी, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। जाने तो दे रही हूँ मैं तुझे, छोड़ दे रही हूँ मैं तुझे तेरे भगवान के पास। बस बस यही रोक दो। चलो तुम लोग अपना काम चालू करो। ब्यूटी प्लीज मुझे छोड़ दो। ब्यूटी, ब्यूटी प्लीज बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ब्यूटी प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है हमें उन्हें वारंट देनी चाहिए। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि पुलिस यहीं कहीं आसपास है। फ्रेडी को तो तुम जानती हो, वो कुछ भी कर सकती है। बेचारा मोहित मारा जाएगा। सही बात है। एक मिनट रुको। लगता है पुलिस की रेड गिर गई है। इसको साथ में लेके चल, 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 मोहित, मोहित, तुम तुम ठीक हो? थैंक यू स्मिता जी। ये तुम क्या कर रहे हो? थैंक यू स्मिता जी, मेरी जान बचाओ। इन सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। तुम फिलहाल आदित्य के साथ जाओ। मैं पारमिता को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम दोनों को शहर से दूर जाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे के साथ सुरक्षित जिंदगी बिताने के बारे में तुम सोचो, ओके? थैंक यू सो मच। ब्यूटी और उसके गुंडे भाग गए, रंगे हाथ मुझे पकड़ नहीं पाए। आप लोग इन्हें लीजिए, जाओ। थैंक यू। आदित्य, हमने जो टारगेट सोचा था वो तो हमने अचीव कर लिया। मोहित को हमने बचा लिया। अब तुम मोहित को उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ मैंने तुम्हें कहा था। मैं घर जाती हूँ, सबसे पहले मैं पारमिता को इन्फॉर्म करती हूँ। तुम जाओ। ठीक है। Thank you.
अस्मिता। हेलो पारमिता, एक गुड न्यूज है। तुम्हारे होने वाले बच्चे के पिता को मैंने बचा लिया और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। फिलहाल तुम कोलकाता शहर से दूर जाओ और मोहित के साथ सेटल होने के बारे में सोचो। मैं तुम लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दूंगी, पूरा इंतजाम मैं कर दूंगी। पर लिसन टू मी, मैं घर आ रही हूं, कुछ अधूरे काम है जो पूरे कर। मोहित का बच्चा, ओह गॉड, हाँ शान, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी। कहाँ हो तुम? हाँ शान, मैं रास्ते में हूँ, तुमसे मिलने घर आ रही। अब मुझे शान को सब सच बता ही देना चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को, जो है सेलिब्रिटी कपल फ्रॉम कुमकुम भाग्य, रुचि यानी दिशा एंड पूरव यानी विन राणा। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं, खामोश सी है जमी हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है। मुझे तुमसे बात करनी थी, बहुत जरूरी बात करनी थी। हो सकता है शायद ये सुनकर तुम्हें धक्का लगे। तुम शांत रहना, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ। यही ना, बारों के होने वाले बच्चे का पिता मैं नहीं। जब तुम्हें सच्चाई पता थी तो मुझे सच क्यों नहीं पता? क्यों नहीं बताया मुझे? दोस्त होने का दावा करती हो तो फिर क्यों रखा मुझे गलत फेम? बोलो, बताओ ना मुझे, क्यों क्यों रखा मुझे इस गलत फेम? बोलो। मैंने तुम्हें हर कदम पर आगाह करने की कोशिश की, मेरी बात माने ही नहीं। शादी के वक्त भी तुम्हें वॉर्न किया, पर तुम मुझे और कोई करने में जुट गए और के साथ शादी कर बैठे। मैं मोहित तक घुमा ले आई थी, बदले में तुमने शादी प्रीपोन कर दी। क्या करती?
माना कि मैंने प्रेगनेंसी की बात तो मैंने तो मेरी मजबूरी थी, मैं तुम पर केस चल रहा था, तुम टेंशन में थे, तुम प्रेशर में थे, उस वक्त मुझे सही नहीं लगा। तुम्हें बाइज्जत बरी करवाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, और एंड ट्रस्ट मी शांतनु, केस खत्म होते ही मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। पारो मोहित और उसके बच्चे को ब्यूटी से सेव करवाने के बाद मैं तुम्हें तुरंत बताने वाली थी। ब्यूटी? ब्यूटी। और तुम तो जानती हो ना उसे, ऐसे और जायदाद की लालच में वो बच्चे को ना तुम्हारा नाम देना चाहती। उस बच्चे का क्या कसूर है? अब दोनों ने बचपन डर और जिल्लत पे गुजारा है। बताओ ना मैं उसे अपनी जिंदगी कैसे गुजारने देती? इतने खुद कर्ज नहीं बन सकते ना हम। किस मिट्टी की बनी हो तुम, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आ नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना छोटा महसूस कर रहा हूं। हर बार मुझे समझाने की, हर बार मुझे टोका, लेकिन हर चीज को नजरअंदाज करता है। इंसल्ट किया तुम्हारा, जबरदस्ती तुम्हें रितौय की दुल्हन बना दी। क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, क्या कर? शांतनु तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें लग जाएगी, ये क्या कर रहे हो शांतनु, शांतनु लग जाएगी तुम्हारा। ये कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? मोहब्बत करते हैं दिलो जान से भी साथ, लेकिन फिर भी हमें बस बहुत गलतियां कर, अब हम प्यार से नहीं, बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब हम सिर्फ मैं बोलू तुम सुन। पूरी जिंदगी तुमने सिर्फ कुर्बानियां दी, हर बार दूसरों का सोचा, पर अब मेरी पुचकी की बारी, उसे उसका हक मिलेगा। से तो हमेशा चुप, पर आज जो तुमने मांगा था वो मैं तुम्हें देने जाऊं, मेरी पत्नी होने का दर्जा। अब मैं पूरी दुनिया के सामने की चोट पे कहूं तुम मेरी बीवी हो, सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी मानूंगा। खुशनसीबी है मेरी, हम तुम। और पारो वो सबको समझाएंगे, सच बताएंगे। आखिर कब तक हम अपनी खुशियों का गला घोटते रहे? I love you, पुचकी। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं,
तुम्हारे साथ। बस अब ये छुप छुप के प्यार नहीं होता, सब कुछ सच बता दूंगा मैं, जूनियर को, ममा को, सबको बता दूंगा, उन सबको राजी कर लूं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब रोना नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट। शांतनु को बता देती हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप खुद छुपाना नहीं है उसे। शांतनु मैं अब कुछ नहीं कहना है, और अब कुछ नहीं कहना है, अब जो करना है, जो बोलना है वो मैं, तुम घर जाओ और चंदा माँ से कह शादी की तैयारियां करें, और कल 10:30 बजे मुझे मेरी तुल मेरी आंखों के सामने चाहिए, शांतनु की तुल उसकी पुचकी, कल रस्म और रिवाज के साथ तुम्हें सबके सामने वैसे शान मजूमदार बनाऊंगा। कल होगा मजूमदार हाउस में उसकी बहू का गृह प्रवेश। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है, साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा साबित हो गया कि इस बदनाम गलियों की लड़की प्यार करने का हक, उनका प्यार भी कबूल होता, वो भी बड़े इज्जतदार घर की बहू बन सकती। तुझे नहीं पता पुछकी तू कितनी बड़ी मिसाल बन चुकी उन लड़कियों की, जो सपने देखती है तो उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखती। तुम जैसी लड़की ने साबित कर दिया कि कोई ऊंचाई इतनी बड़ी नहीं कि जहां हौसला ना पहुंच सके। खुश रहे मेरी बच्ची, देवी माँ तेरी हर इच्छा पूरी कर। इतनी खुशी का मौका है, सन्नाटा क्यों कर रखा है? चलो गाने वाने बजाने चालू करो।
मेरी पुत्र की दुल्हन बनी। मिस अस्मिता, आपकी नौकरी पक्की। अपनी बहू स्वीकार करके आशीर्वाद दे दीजिए सासू माँ। I'm so lucky कि रुद्र मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करते हैं। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? हाँ। नागिन को अपनी बहू मानकर बुलाया हम, पाला हम, लेकिन आखिर उसने दस ही लिया। फितरत जो ठहरी कैसे बदलेगी? लेकिन अब हमारी बारी। एक एक चीज का बदला लेते हैं। अपने बेटे की हुई कतरा कतरा मोहब्बत का बदला। कल सुबह दुनिया देखेगी निवेदिता मौजूमदार का बदला, ऐसा जो ना कभी किसी ने देखा, माफ करने किसी ने सुना। शान! क्या हुआ मामा? आपने बुलाया? कुछ कहना था आपसे। क्या? हिम्मत कैसे हुई ये सोचने कि तुम जैसे हमारे घर की बहू बन कोलकाता की सबसे गंदी और बदनाम गली की पैदाइश और कोलकाता के सबसे बड़े घर में शादी करना चाहती हो? सोचा भी कैसे था? बस निकल जाओ यहां, गेट आउट। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह।
शत्रु तुम तो मुझे अपना हक दिलाना चाहता तो कहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो उसे कदम उठाना पड़ा? इस मार का कारण जानकर रहूंगी, इस राज पर से पर्दा उठाकर रहूंगी, वो भी अभी इसी वक्त।